دهانات الجزيرة يبغى يشتري بروفايل برا حق دريشة. أيوة. وإن شاء الله يجي شغل كويس. नाम तवक्कल दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज का वीडियो होने वाला बहुत मजेदार क्योंकि आज मैं सऊदी के साथ में जिस बिल्डिंग में काम हो रहा है जिस घर का तो सऊदी के साथ में गया उसके साथ तो थोड़ा सामान वामान जो लेना था बाहर का पेंट का वो भी है वीडियो इसमें देखने को मिलेगा सऊदी के साथ में जो वीडियो थोड़ा बहुत शुरू हुआ है और साथ ही साथ थोड़ा यार आज पूरा दिन बहुत बेकार गया इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मेरा जो सॉकर है वो भी टूट गया थोड़ा मैटर हो गया था साइड पर तो जल्दी जल्दी जाने के लिए थोड़ा वो गाड़ी का पहिया जो था गच्चे में गिरा और सॉकर उसका जो जिसपे रुका रहता है वो टूट गया तो उसको भी मैं चेंज कराया तो थोड़ा बहुत वो वीडियो है तो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही मज़ेदार वीडियो तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तो दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब करें भीम गुप्ता ब्लॉग चैनल को बेल आइकन दबाएं मज़ेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं थोड़ा सामान खरीदने के लिए और सऊदी भी साथ में है तो इनका काम हो रहा है तो हम लोग आए हैं अभी जजीरा वाली दुकान पे जो सऊदी नजरान का सऊदी यानी सऊदी का जो नंबर वन कंपनी है जजीरा और हम लोग वहीं पे आए हैं सामान खरीदने अभी तो कलर भी पसंद करना है इसमें जो बाहर का जो रफ़ एंड टफ जो काम होता है इंडिया में रफ़ एंड टफ और यहाँ पर प्रोफाइल नाम से जाना जाता है तो उसका भी कलर पसंद करना है तो हम लोग आ गए हैं तो السلام عليكم السلام ورحمه الله كيف حالك الحمد لله كيف حالك يا قبطان كويس الحمد لله كيف حالك حياك الله اهلا وسهلا في نجران مرحبا بك كيف حالك ساك طيب الحمد لله كيف حالك الحين احنا موجود دهانه الجزيره يبغى يشتري بروفايل برا حق دريشه ايوه وان شاء الله يجي شغل كويس نعم وتوكل على الله ان شاء الله तो दोस्तों चलते हैं अभी दुकान के अंदर क्योंकि अभी दुकान के अंदर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कौन सा कलर लेना है और साथ साथ में सऊदी भी है आगे के चल रहे हो तो अभी आप देख सकते हैं जो ये जो कलर है ऐसे ही उसको बाहर का जो घर है ना बाहर का ऐसे ही कलर काम करवाने वाला है तो ये दोनों अलग अलग सा कलर है पहले बड़ा जो साइज दिख रहा है वो बंद हो चुका है अभी नया जो छोटा वाला आया है तो उसी को पसंद कर रहे हैं और इसमें जो कलर पसंद हो रहा है वो क्या है ना कि जो ग्रेमिट लगाया हुआ है सीलिंग में यानी ऊपर जो जबलोन बोलते हैं यहाँ पे तो उसका कलर बहुत टाइम से परेशान है कि इसको ब्लू कलर में जैसा ब्लैक एंड ब्लू चाहिए तो वही कलर मारना है इसको तो वही पसंद कर रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा इसमें तो चलिए देखते हैं अभी किसी तरह से पसंद कराते हैं और फिलहाल में तो अभी इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अभी इसका थोड़ा जजीरा में जो अभी एक पेंट का मुदीर है तो उसको थोड़ा बुलाते हैं यहाँ पे जो दुकान में बैठता है फिर देखते हैं क्या वो बोलता है अभी देखिए ये सामा मसरी है और ये मुदीर है इस दुकान का तो फिलहाल में कलर विलर के मामले में जो भी है इसका वो कलर थोड़ा नॉलेज ज़्यादा है तो इसीलिए इसको ज़्यादातर लोग बात करते हैं पसंद करते हैं यानी बात आता है कैसा कलर चाहिए कैसा नहीं चाहिए तो दोस्तों अभी इधर तो मुश्किल है अभी देखिए ये उधर नहीं समझ में अभी काउंटर पे भी लेके आ रहा है दूसरे कैटलॉग में भी दिखा रहा है ताकि किसी तरह से मालूम पड़ जाए तो अभी ये दूसरा इधर बैठा है काउंटर पर अभी इसके पास कस्टमर नहीं है तो बैठ के बस टाइम पास कर रहा है और इसमें क्या है एक्चुअली जो लॉकडाउन की वजह से अभी तो लॉकडाउन तो खुल गया है लेकिन फिलहाल मैं अभी भी जो ईद की वजह से जो भी पगार था सऊदी को तो ख़त्म हो जाए अभी नया सीरीज से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं लोग तो काम धाम तो भी चल रहा है फिलहाल में अभी तो चलिए देखते हैं क्या बात होती है तो दोस्तों अभी प्रोफाइल का कलर तो पसंद हो गया है फिलहाल में अभी जो उसमें ग्रेनाइट जो है लगा हुआ है ऊपर खिपड़ा बोलते हैं यहाँ पे जबलोन तो वो पसंद नहीं आया तो इसीलिए इसको कलर का पूरा बंडल लेके जा रहे हैं उधर पसंद करने के लिए और वहाँ पे देखते हैं कि कौन सा कलर पसंद आता है खिड़की का और डेकोर जो होने वाला है तो वीडियो देखते रहिए पूरा लास्ट तक तो दोस्तों उधर दुकान पे कलर पसंद नहीं आ रहा था लेकिन आप देख सकते हैं जो ऊपर वो ग्रेमिट दिख रहा है उसका कलर सऊदी को पसंद था तो हम लोग लेके आए थे अभी इसका जो कलर है मिल गया है और ये मिला है हमको नीचे से क्योंकि नज़दीक में अगर रखेगा तो मालूम पड़ता है चलिए मैं दिखाता हूँ कितना नज़दीक मिलता है कलर तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो कलर है इससे मैच ज़्यादा खा रहा है तो यही कलर पसंद हुआ है तो इसको लेना है बिल्डिंग के लिए
तो दोस्तों हो गया है कलर पास और पीछे मैं बैठा हूँ जो वर्कशॉप है, और मेरा गाड़ी का साकर टूट चुका है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी जो गाड़ी का मेरा शॉकर था वो किसी हिसाब से यानी वो पूरा डैमेज हो चुका था, क्योंकि साकर का जो पहिया था ना वो टूटने की वजह से साकर में जो प्रेशर होता है तो उठाने वाला वो पूरा एकदम से ख़त्म हो चुका था, और जिस पे रुकता है जो स्प्रिंग, अभी देखिए इसमें ये यहाँ पे काका बोलते हैं जिससे जो हाइट बढ़ाया जाता है, तो ये भी टूट चुका है। अभी एक तरफ का तो टूटा था, अभी देखिए साकर का हालत क्या है, इसमें थोड़ा भी प्रेशर नहीं है, अभी उठाना ये इसको बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन देखिए ऑटोमे ऐसा ही निकल जा रहा है, अंदर भी चला जा रहा है, लेकिन यही प्रॉब्लम है, अभी ये भी ख़त्म हो चुका है। तो अभी फिलहाल मैं देखिए अभी दोनों तरफ का मैं लेके आया हूँ सामान, अभी ये दोनों साकर एक साथ में चेंज करेंगे, क्योंकि बार बार चेक खोलने में थोड़ा पैसा भी चार्जेस भी ज़्यादा लगता है, और ये मिस्त्री साहब लगे हुए हैं पाकिस्तान से हैं ये, और मेरा ज़्यादातर काम यही करते हैं गाड़ी का, क्योंकि अभी देखिए दूसरा जो साकर है ये भी खत्म हो चुका था, उसका पिचक भी गया है और ऑयल भी लीक हो चुका है, और ये नया साकर अभी इसमें लगा रहे हैं, उसमें देख रहे हैं आप जो कटोरी के जैसा दिख रहा है वो यहाँ पे काका बोलते हैं, यानी जो साकर का थोड़ा हाइट बढ़ाते हैं, यानी हाइट करते हैं उठाते हैं, ताकि बार बार हर जगह पे जो ब्रेकर रहता है उस पे लड़ता है तो दिक्कत करता है वहाँ पे। तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा फिटिंग भी करने के लिए, और जो जल्दी से भी हो जाएगा तो फिर निकलेगा यहाँ से, क्योंकि अभी थोड़ा साइड पर भी थोड़ा लोचा हो गया था तो उधर भी निकलना ज़रूरी था। साथ साथ में ब्रेक सोल भी ख़राब हो गया था, क्योंकि घिस गया था इसका जो सोल था वो घिस गया था, तो मैं सोचा साथ साथ में वो भी चेंज कर देगा, तो अभी उसके लिए भी वो भी लेके आ गए हैं, तो और सोल भी चेंज हो जाएगा तो फिर बार 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 खुलवाना नहीं पड़ेगा गाड़ी को, इसीलिए सोल भी आ चुका है और ये भी लग जाएगा साथ में, तो पूरा काम हो जाएगा कम्प्लीट। अभी आप देख सकते हैं कि ब्रेक सोल उसमें सेटिंग कर रहे हैं, और दोस्तों आपके साथ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती होंगी, हर इंसान के साथ ऐसा कोई घटनाएं होता है कि इंसान करने कुछ और जाता है और हो जाता है कुछ, और ना चाहते हुए भी वो ऐसी घटना हो जाती है कि हमेशा कहीं पे कहीं अगर नुकसान हो रहा हो तो साथ साथ में डबल यानी नुकसान, उसके साथ में नुकसान पे नुकसान, कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है जिससे आपका नुकसान ही होगा। अभी मैं भी ये जो काम कर रहा हूँ अभी इसमें भी मेरा 500 रियाल का नुकसान है, और फिलहाल में ज़रूरी भी था और वो तो टूट गया तो खैर नुकसान था, और साथ साथ में ब्रेक भी अभी वो शायद अगर नहीं चेंज करते तो गिर जाता। अभी हमारा पहिया भी फिटिंग हो चुका है, अभी एक तरफ का और दूसरे तरफ का बाकी है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि यार ऐसा अगर कभी हुआ है आपके साथ में कि आपके साथ में भी कोई भी मैटर पर अगर आपका एक नुकसान हो रहा है और साथ साथ में कोई ऐसी घटना हो जाती है कि उसको नुकसान का ज़्यादा ही पड़ जाता है। यहाँ पर जो नट बोल्ट कसते हैं तो ज़्यादातर मशीनरी का काम होता है, क्योंकि यहाँ पे रिंच और बहुत ही ये सब कम इस्तेमाल करते हैं, इससे काम थोड़ा जल्दी भी हो जाता है खोलने और बांधने का। दोस्तों मैं बोल रहा था कि अगर आपके साथ में अगर कैसा कोई घटना हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके साथ क्या ऐसी घटनाएँ हुई थी, मैं कोशिश करूँगा उसके भी वीडियो बनाने के लिए। और ये देखिए जो दूसरा तरफ का जो मेरा साकर अभी एक तरफ का हो गया, अभी दूसरे तरफ का मेरे भिड़े हुए हैं लगाने के लिए, तो ये भी हो जाता है तो मैं निकलता हूँ फिर साइड के लिए। और साथ में अभी जो मैटर था लफड़ा हो गया था, तो मैं वो क्या हुआ कि एक यमनी के वजह से थोड़ा सा मस्करे में मजाक में थोड़ा एक आदमी को चोट लग गया, तो उधर भी जाना ज़रूरी था और वहीं से फ़ोन हो रहा था, तो मैं सोचा उधर जाएगा और जल्दी जल्दी में खाना साइड पे पहुंचाने के चक्कर में वो जो ब्रेकर होता है उसके साथ में ही एक गड्ढा था, और थोड़ा साकर मेरा पहले से थोड़ा कमज़ोर था तो उधर ही जाके गिर गया वो, और फिर मुसीबत हो गया कि वहाँ से किसी तरह से मैं गाड़ी यहाँ पर गैरेज में लेके आया, फिर एक दोस्त को फ़ोन किया कि आने के लिए, और उन्होंने आया तो मुझे साथ में लेके जाने के लिए कि यानी वहाँ पे जा के देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और एक्चुअली जो नुकसान का दिन होता है तो ऐसा लगता है कि सुबह से लेके शाम तक बस नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि वैसे दोस्तों समय अच्छा हो या बुरा कट ही जाता है, इसी तरह से आज मेरा भी दिन ख़त्म हो गया, कट गया और थोड़ा नुकसान तो झेलना पड़ा आज के दिन, बस ख़त्म हो गया आज का दिन, हो सकता है कि आगे वाले आने वाले समय में ऐसा नुकसान नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि हमारे मेहनत का फल वही लाइक जो होता है वही होता है, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें,
तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।